जैसा कि आप सभी जानते हो, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल का जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। और मोस्टली बच्चे जो जो इसमें जब बैठे हुए थे, जो एग्जाम में अपेयर हुए थे, वो एग्जाम के रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी अपडेट लेकर आया हूँ एग्जाम के रिजल्ट को लेकर, फिजिकल को लेकर, और जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसको लेकर, और मेडिकल वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह लेके। देखो, तो दिसंबर तक इनको क्या करनी है, भर्ती को क्लियर करवानी है, ठीक है, और जनवरी फरवरी में इनको फाइनली ज्वाइनिंग करवानी है। तो बड़ी बात यह है कि दिसंबर से पहले इनको क्या करना है, फिजिकल करवाना है, रिजल्ट क्लियर करना है, ट्रेड टेस्ट करवाने हैं और मेडिकल करवाने हैं, ठीक है। तो इनके पास जो टाइम है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है, सितंबर आपका आधा बचा हुआ है। तो ये इस बात की पूरी, देखो 10 अक्टूबर से आपका जो फिजिकल वो स्टार्ट होने वाला है, ये पहली बात आप नोट करके रख लो, ठीक है। 10 अक्टूबर से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, फिजिकल के टाइम केवल फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल और ट्रेड टेस्ट दोनों एक साथ होगा, वो अलग प्रोसेस रहेगा। कुछ लोग ये बता रहे थे कि भाई फिजिकल के टाइम पे आपका वो होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो प्रोसेस है वो क्या होगा, पहले फिजिकल आपका होगा 10 अक्टूबर से, बहुत ही कम समय के लिए पेट के, मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर ही फिजिकल खत्म करवा देंगे करा के। उसके बाद वो क्या करेंगे, एक मेडिकल की लिस्ट निकालेंगे, उस मेडिकल की लिस्ट में आपको ट्रेड टेस्ट और मेडिकल दोनों एक साथ देना होगा, ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। और आपकी अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, तो रिजल्ट आपका इसी सितंबर के माह के लास्ट तक, या फिर बहुत टाइम बिल्कुल आपको नहीं देंगे फिजिकल के लिए, मुझे जहाँ तक मोस्टली लगता है कि इनको लास्ट वीक ऑफ सितंबर इसी में ही करवा देंगे रिजल्ट का डिक्लेरेशन, ठीक है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, और जहाँ तक बाहर के सोर्सेस से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, कुछ लोगों से मैंने बात करी जहाँ से पता चल पाया, तो एंड ऑफ सितंबर या फिर हो सकता हो 20 या 22 सितंबर तक भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जो भी लोग वेट कर रहे थे, बस एक चीज़ जान लो, अगर आप फिजिकल की तैयारी, फिजिकल वैसे बहुत ईजी है, जो ड्राइवर वगैरह के लिए उनका 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, बाकी जो वो ये आपका ट्रेड टेस्ट वाले जैसे बिगुलर वगैरह हो गए या फिर कुक हो गया, वाटरमैन हो गया, इसका जो ये 10 मिनट में आपको करना है, ठीक है, 1600 मीटर, ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं करनी है, अगर आप ड्राइवर वाले हो तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की, या जो लोग जैसे भी हो ना, जैसे भी समय मिल रहा है, थोड़ा बहुत फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। कट ऑफ आपको मैंने बता ही दिया है कि 60 से लेकर 75 के बीच सारे कट ऑफ वेरी करेंगे, 55 भी जा सकते हैं, 55 से लेकर 70 तक, ठीक है, इसी के रेंज में ही सारी कट ऑफ रहेंगी, चाहे कोई सा भी ट्रेड टेस्ट उठा लो आप, कोई सा भी ट्रेड उठा लो, बाकी वो जो ऑल इंडिया वाली पोस्ट है उसकी शायद 70-75 चली है, उसमें नो डाउट है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बाकी जो मोस्टली जो ट्रेड्स है वो 60 से लेके 55 से लेके 70 के बीच में वेरी करेंगे। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, जो भी मैंने मुझे मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर करी। और अभी तो मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने जीडी का मेडिकल क्लियर किया हुआ है, तो मेडिकल जब होगा ना इसका, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, यहाँ पे जो आपको करनी है डॉक्टर के सामने, इन चीज़ों को छिपानी है पॉइंट्स, जैसे वो नहीं देख पाएगा आपके पॉइंट को, पकड़ ही नहीं पाएगा, आपको पास कर देगा, तो वो सारी मेडिकल की सारी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा इसी चैनल पे। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके ऊपर है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। हो सकता हो कोई आपके मन में डाउट हो मेडिकल से रिलेटेड, कोई पॉइंट मेडिकल के कोई पॉइंट्स हो गए उससे रिलेटेड, तो आप मेरे को वहाँ पे आके डायरेक्टली रेज कर सकते हो, अपने क्वेरीज रेज कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।